बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां ओडिशा से ये बड़ी खबर आ रही है, जहां मोहन मांझी ओडिशा के अगले मुख्यमंत्री चुन लिए गए। ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां मोहन मांझी ओडिशा के अगले मुख्यमंत्री चुन लिए गए हैं। हम आपको बता दें, बीजेपी विधायक दल की मीटिंग में यह बड़ा और अहम फैसला लिया गया है। वही हम आपको बता दें, मुख्यमंत्री सहित दो डिप्टी सीएम भी चुन लिए गए हैं, जो कि केवी सिंह देव को भी उप मुख्यमंत्री बनाया गया है। वही प्रभाती प्रविता को भी उप मुख्यमंत्री के रूप में चुन लिया गया है। पहली बार विधायक बनी प्रभाती प्रविता भी उप मुख्यमंत्री बनी है। वही मोहन मांझी 12 जून को सीएम पद की अहम शपथ लेंगे। हम आपको बता दें, ओडिशा का अगला मुख्यमंत्री बीजेपी ने चुन लिया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की मौजूदगी में ओडिशा बीजेपी के विधायकों ने सर्वसम्मति से मोहन मांझी को विधायक दल का नेता चुन लिया है। सीएम मोहन मांझी के अलावा दो डिप्टी सीएम भी चुन लिए गए हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बताया कि सभी विधायकों ने इस फैसले का स्वागत किया है। हम आपको बता दें, मोहन मांझी को राज्य का अगला मुख्यमंत्री बनाया गया है। इनके अलावा दो डिप्टी सीएम भी बनाए गए हैं। वही 6 बार के विधायक केवी सिंह देव और पहली बार विधायक बनी प्रभाती प्रविता को उप मुख्यमंत्री बनाया गया है। मुख्यमंत्री के चयन के लिए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव को पर्यवेक्षक नियुक्त किया गया था। दोनों केंद्रीय मंत्री सीएम के चयन के लिए ओडिशा पहुंचे थे। यहां विधायकों की मीटिंग हुई, जहां रक्षा मंत्री ने बताया कि मोहन मांझी के नाम पर मुहर लगी और वह मुख्यमंत्री बने। मुख्यमंत्री पद हेतु नाम आमंत्रित किए तो केवी सिंह देव जी ने सबसे पहले खड़े होकर मुख्यमंत्री पद के लिए श्री मोहन मांझी का नाम प्रस्तावित किया है। और इसके साथ ही सूरमा पाड़ी, रवि नारायण जी नायक, लक्ष्मण भाट और पृथ्वीराज जी हरिचंदन जी, इन सब सारे लोगों ने समर्थन किया। और साथ ही साथ हमारे विधायक दल के सभी सम्मानित सदस्यों ने तालियां बजाकर इसका जो है स्वागत किया। इसलिए मोहन मांझी जी को मैं सर्वसम्मत भारतीय जनता पार्टी विधायक दल उड़ीसा का मैंने नेता निर्वाचित घोषित किया है। तो हमने आपको बताया, मोहन मांझी को मुख्यमंत्री के रूप में, उड़ीसा के मुख्यमंत्री के रूप में चुन लिया गया है। उनके पॉलिटिकल बैकग्राउंड के बारे में बताया तो मोहन मांझी ने सरपंच के तौर पर 1997 से 2000 के रूप में अपना राजनीतिक करियर शुरू किया था। वह पहली बार 2000 में क्योझर से राज्य विधानसभा के लिए विधायक चुने गए थे। वहीं वह 4 बार के विधायक रहे हैं और लगातार क्योझर सीट का प्रतिनिधित्व करते आ रहे हैं। वह राज्य में बीजेपी के एक आदिवासी नेता है, जो अब मुख्यमंत्री के रूप में बुधवार को शपथ लेंगे। वह इस साल क्योझर सीट पर बीजेपी के उम्मीदवार के खिलाफ 11,577 वोटों के अंतर से जीते हैं। ये बड़ी खबर हम आपको अपनी टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, जहां मोहन मांझी ओडिशा के नए मुख्यमंत्री बन चुके हैं।